बासी रोटी में वो लगा रखा था टोमेटो का जेल। आज के बाद किसी को भी ये मत बोलियो कि भाई मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। मैं अपनी मम्मी को डेट पे लेके जा रही हूँ। द स्ट्रगल इज रियल। आज मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। इट इज अ ट्यूजडे। इट डिड नॉट स्टार्ट ऑन अ गुड नोट बिकॉज मेरा जुकाम वापस से बढ़ने लग गया है, बट हम लोग बाहर जाने वाले हैं, सो आई थॉट माइट एज वेल टेक यू गाइज अलॉन्ग। तो कल मेरे पापा का और मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, सो आई एम गोना गो एंड शॉप फॉर दैट। पहले मेरा अकेले जाने का मन था बिकॉज डेज आर नॉट दैट गुड लेटली, सो आई वॉन्टेड टू हैव लाइक अ डे टू माई सेल्फ, बट देन माई मॉम सजेस्टेड कि उनको भी बाहर जाना है, तो हमने सोचा चलो ठीक है साथ में चले जाते हैं। आई विल जस्ट टेक हर आउट ऑन अ स्मॉल डेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो दिस इज वॉट आई वॉज वियरिंग इनिशियली लाइक अ लैवेंडर मोमेंट, बट आई एम गोना चेंज। सो दिस इज माई चेंज लुक। मैंने आपके साथ ट्रेनिंग करी। अब मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ आपके हिसाब से? कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैं नहीं, मैं इयर रिंग पहनो और चलो फटाफट। हाँ मैं खिला रही हूँ, आप इयर रिंग पहनो और जल्दी चलो। मैं अपनी मम्मी को डेट पे लेके जा रही हूँ और डेट का मेन मकसद है कल पापा को बर्थडे है, उनके लिए हमको शॉपिंग करनी है। नहीं तो पापा को करना है, नहीं खुश नहीं करना, उनका बर्थडे है, उनको गिफ्ट देना है। हाँ तो मैंने सोचा कि चलो आज मम्मी को डेट पे लेके जाते हैं, क्योंकि ये रोज ही शिकायत करती रहती है कि मेरे को कुछ नहीं देती है, मेरे को कुछ नहीं देती है। मैंने कहा चलो आज डेट पे लेके जाते हैं, क्या कहते हो? बढ़िया, सही है। तो अभी हम अपनी डेट की फर्स्ट स्टॉप पे पहुँचे, वो है एक फ्लावर शॉप, क्योंकि मम्मी को फूल बहुत पसंद है, तो चलो मम्मी को फूल लेके देते हैं। तो अभी फूल लेके आप हो जाएंगे घर जाने तक? नहीं होते, हटा दीजिएगा इसको। अभी फूल मत लेना, छोड़िए नहीं सूखते। मेरे को तो सारे अच्छे लग रहे हैं। तो उसका उसमें से कौन कौन से कलर्स है इसमें? नहीं इसमें तीन चार कलर होंगे, येलो है, व्हाइट है। पता पसंद करो, कलर पसंद करो, ये सबसे लंबे टिकते हैं। कलर पसंद करो, एक येलो निकाल दो, एक रेड निकाल दो, एक पिंक निकाल दो, एक व्हाइट। चारों के दो दो दे दो। दो दो नहीं, एक एक। आप बोलोगी नहीं आज, आज आपको बस मैं जो बोलूंगी वो करना है। बस ये दे दी बना के वैसे? हाँ बना के दे दो। तो फूल कौन जान बखा मुझे नाम कोई तो कोई कोई लागने में नहीं सूखते। मुझे भी तो डेट की स्टार्टिंग में फूल मिलते हैं, फिर शाम तक चलते हैं वो। तो कहाँ जानी फिर है, कहाँ जाते फिर? अब मैं घर नहीं ला पाती ना उनको। क्यों? फिर आप बोलोगे किसने दिए। तो तू बोल दिया अगर मैं तेरे लिए खरीद के लाई हूँ। हाँ ये अच्छा आइडिया, अगली बार से ऐसी करेंगे। एक शॉप का तो डैमेज हो चुका है, कैमरा अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं किया, तो कैमरा तो मैंने अपनी जेब में ही रख लिया है। एंड अभी आई एम शूटिंग विद द फोन। अंदर H&M में भी अलाउ नहीं किया था शूट करने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यूनिक्लो के लिए। आई गॉट सम टी शर्ट्स फ्रॉम H&M, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी एंड मेम्बर डिस्काउंट भी चल रहा था। अभी भी अगर गए तो यूनिक्लो एंड वहाँ से हम लोग लेंगे जॉगर्स, क्योंकि उधर के जॉगर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कौन सा कलर लेना है इसमें? ये कलर ले लो, ठीक है। ये वाला लेना है या ये ब्लू, या ये ब्लू या ग्रे है ना? ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो ले लो ग्रे वाला। स्मॉल आएगा मेरे ख्याल से, स्मॉल ले लो, स्मॉल ही आएगा। हाँ देखो ना इसकी कमर, वैसे खोल के दिखाओ, मेरी कमर पर लगाओ, मुझे थोड़ा सा टाइट होता है पापा का। ये आ जाएगा आराम से, आराम से आ जाएगा, है ना? हाँ ये आ जाएगा। ये लेना है, ये लेना है, डेनिम वाला भी अच्छा लग रहा है, ये लेते हैं। चलो क्या पता ये नहीं पहना तो ये अच्छा लग रहा है, इसको ले लो। अच्छा कलर नहीं लग रहा है मेरे को, कलर वो अच्छा लग रहा है जी। नहीं मम्मी ये नहीं, ये तो ये ले लो फिर, कि कभी पापा को जीन्स पहनने का मन हो और कंफर्टेबल रहना हो तो ये ले सकते। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये ले लो, उसमें से कलर चुनते आओ, इधर आओ। ये ग्रीन तो पापा के पास है, इसमें ले लो, आपको ये वाला लेना है तो वो नहीं, ये वाला ये? हाँ वो ज्यादा लाइट है, या तो ये देख लो या फिर इन दोनों में से देख लो कोई। हाँ तो फिर ये ही ले लो, आपको लाइट में चाहिए तो। साइज देख लेना, स्मॉल ही आएगा, मीडियम मत लेना। होगा होगा होगा। यहाँ से पहले थोड़ा ले लो डंकिन, मैं तो मीठा लूंगी ना, फिर गौरव आ जाएगा तब हम पिज्जा एक्सप्रेस जाएंगे।
होती है, मतलब मैंने भी थोड़ा टाइम पहले उसी के साथ वो था शायद अंडा 100% एगलेस दुकान है। अभी आपने मेरे दिमाग में जो वहम डाला था ना, तेरे से ज्यादा बदमाश हो ना, नहीं मेरा पड़ गया था ये खाने से पहले नहीं बोल पा रही तो याद ही नहीं रहा आपने खाने के बाद बोल देती, मैंने जब चबा लिया उसके बाद, और पता है जब आपने ये बोला मैं एकदम से पॉज हो गई और उसमें से अंदर वो जो लिक्विड है वो मेरे मुंह में पिघलता रहा, मेरी पूरी जीभ जल गई है कोने में। यार मैं अब भी किसी ठॉम की नहीं हो यार, 100% एगलेस। टेबल की भी ला रही हो, अंदर क्यों नहीं आ पा रही हो, फंस गई क्या? अब तो आ जाऊंगी, वो पैर डालने का नहीं हो रहा था ना आज। चलो क्या खाओगी, पिज्जा खाओगे पास्ता खाओगे? सब जल्दी है जो भी खिला लेती है, पास्ता भी खाओगी? पिज्जा खाओगे? बहुत अच्छा है यहाँ का पिज्जा भी, बहुत अच्छा पास्ता भी, बहुत अच्छा। आपका स्ट्रगल ही लाइफ में अलग है। चलो निकलो फटाफट, आ जाओ आओ, निकलो जल्दी आओ जल्दी आओ, मम्मी पर डिसाइड भी करना, लेट हो रहा है। द स्ट्रगल इज रियल। That's it for now, I'll let you. Your good name, ma'am? Sony, S-O-N-I. Thank you so much. Yeah. ये हमारी डेट बीच में इंट्रूड करने आ गए, इंट्रूडर। डेट पर कल तो पापा का बर्थडे, जल्दी तो बेस्ट कर आई दिया, सॉरी। ये इनको देखिए, ये अलग ही लगी हुई है। अरे यार ये पिज़्ज़ा मिला दे। ओह वाओ, ये टेक्निक मुझे नहीं पता थी। This is an acquired taste. हो सकता है पहली बाइट में पसंद आए, एक साइज पूरा खाओ फिर बताओ। नहीं यार का सॉरी, ठीक है हमें इंडियन टेस्ट की आदत है ना भाई, मुझे इतना पसंद आया ना मैं पूरा खा सकता हूँ। अच्छा नहीं होगा ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है, इसमें गोट चीज है ना, कितने मार्क्स दोगी आप पिज्जा एक्सप्रेस को? पिज्जा एक्सप्रेस को मैं आज भी नहीं दूंगी। मतलब कितने में से? 100 में से। 100 है भाई, कह रही है 5 भी नहीं दूंगी, मुझे लगा 10 में से कह रही 100 में से। मतलब आप दोबारा यहाँ पे आओगी अगर आपको अपने पे? भूल के भी नहीं आऊंगी यार, अभी ऊपर कह रही थी। हाँ क्या हो गया आज यार? वो तो मैं तेरा मन रखने के लिए, आप तेरे को बुरा लगेगा अगर क्या, आप हकीकत बता रही हूँ पर मैं नहीं आऊंगी दोबारा। पर आप दोनों को क्यों नहीं, तुझे भी नहीं पसंद आया ना है? बासी रोटी में वो लगा रखा था टोमेटो का जेम। हर दुकान में जाके अपने लिए कुछ खरीदती है क्या है? हर दुकान से है। आपकी हो गई शॉपिंग पूरी? कैसी रही आज आपकी डेट का दिन? कुछ भी नहीं रहा, मेरे को कोई दिलाया ही नहीं, पिज्जा खिलाया वो भी बिना नमक वाला। Wait for it. तूने तो फूल भी दिलाया मेरे को, खिलाने को पिज्जा भी अपने हाथ से तो खिलाया, अब तू तेरी गलती थोड़ी थी, तुम्हें नमक नहीं डालना बोल दिया। अब जब ठोकेंगे मतलब तेरे को पता होने के बाद तो पिछली बार मेरे 3 बार लगे, एक बार मेरा पैर में लगी थी, एक बार मेरे हाथ में। मम्मी यहाँ मम्मी आप छोटे बच्चे होगा केजी क्लास की लाएगी फिर यहाँ मम्मी को, जाओ उधर बैठो कुर्सी में। जो भी आपने वहाँ खाए थे वो अच्छे थे कि ये अच्छे है? ऐसी है तो मैंने दुनिया के बेस्ट होमोस क्यों किस दर्जे से लिया है वो खुद खाइयो।
और फिर बोल दो यार ये वो वाले मोमोज दिए जो हमने खाए थे, प्लीज यही बोलियो, ये मत बोलियो कि वही है। मुझे लग रहा है तेरा वो देना। नहीं यार अभी दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे खुद बहुत ज्यादा फीवरिश फील हो रहा है। भाई तुम लोगों ने आज मेरी दी हुई सारी डिशेस फेल क्यों कर दी? नहीं वो पिज्जा से तो अच्छे नहीं है। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रही, पिज्जा तो मेरे पसंद नहीं आया। पैशन फ्रूट सेम तो सुन, आज के बाद किसी को भी ये मत बोलियो कि भाई मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। सब जो खिला रहा हूँ ना लगे अच्छे, वो उसके घर मोड़ के जो खाए थे उस दिन, वो भाई वो मेरा मिनट को फेल कर दी थी भाई। अच्छा तुम नैनीताल के नहीं खाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता तुझे। The next day. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. खुद खाने चले गई बदतमी। Hi guys, good morning. So this is 2 days after the last clip. कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, so I could not vlog. And कल ही मेरे पापा और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों का ही बर्थडे था, तो I went for a couple of hours उसके घर पे to you know wish her a happy birthday. And then रात में हम लोग डिनर के लिए गए थे to celebrate my father's birthday. And today I'm feeling a tad bit better. तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो आई सॉ अ फ्यू कॉमेंट्स एंड डी एम्स ऑल्सो टू ट्राई एंड रिव्यू ट्राई मूडी ब्रांड। एंड लाइक आई लिटरली मैनिफेस्टेड यू नो वर्किंग विद देम, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स में काफ़ी टाइम से अपनी फीड पे देख रही थी एंड आई वॉज वॉन्टिंग टू बाई देम, बट आई हैव सो मच स्किन केयर दैट आई वॉज नॉट श्योर कि अभी खरीदूँ या पहले से खत्म कर लेती हूँ फिर खरीदूंगी। बट देन दे रीच आउट टू मी, आई हैव ऑल द सनस्क्रीन्स हियर, आई स्टार्टेड यूजिंग देम स्टार्टिंग टूडे। तो मैं चारों को ही यूज़ करने वाली हूँ, मैं यूज़ करूँगी, मम्मी को भी कराऊंगी, भाई को भी कराऊंगी, सबके जो भी रिएक्शन होंगे बेस्ड ऑन दैट आई एम गोना बी गिविंग यू माई रिव्यूज। एंड या आज सुबह सुबह मुझे उठने में लेट हो गया था बिकॉज माई थ्रोट इज स्टिल पेनिंग, तो मैं इतनी जल्दी उठ नहीं रही थी। एंड नाउ माई मॉम इज ऑलरेडी एंग्री बिकॉज आज हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल है, फुल डे ही बोलते हैं उसको, वेयर इन द लेडीज द गर्ल्स ऑफ द हाउस यू नो वो पूजा करती हैं घर की दहलीज की, उस पर फ्लावर्स डालती हैं विशिंग द फैमिली कि उनके घर में गुड लक आए। तो दैट इज व्हाट वी आर गोना डू नाउ। पर ये आपको करना अलाउड होता है? हैं क्यों नहीं होगा, शिकार है तुझे। पर लड़की करती है ना। तू लड़की भी? तो मैं लड़का हूँ, ये मुझे भी आता था। तू यहाँ लगाती थी पिठाई याद है? तो वो ही बताया होगा आपने मुझे बचपन में। दे चम्मा दे दे। क्या मुझे भी बताना क्या बोला। चावल से करूंगी क्या मैं? अब बोलूंगी गुड़, अब बोलूंगी लापधानी 2000 का नोट, यार ये 2000 नहीं है, ये नहीं चल पाएगा। आपने 2000 के बदले मुझे 200 रुपए दिए। सुबह के चावलों से ये बना है, दिस इज चावल की रोटी डोसा टाइप्स एंड दिस इज बूंदी का रायता, स्वीट एंड सिंपल। I mean not sweet literally, but yeah, I'm have my dinner now. I'm not feeling well right now. Hi guys, so this is the next day. I just came back home from work, like office taj. I just came back home and I got news from a brand and I'm so annoyed and I really wanted to
just talk it out, and hence I am going to rant. So I'm really sorry if that bores you guys, but oh my god, people these days can be so petty and stupid, if I may say so. I recently uploaded like a brand reel in collaboration with a hair care brand, and I edited it in a way that I edit a lot of my videos. मतलब मैं पिछले डेढ़ दो सालों से अपनी reels edit कर रही हूँ, and I get so many compliments on my editing style. I keep changing it here and there, and it is not like something new that I have innovated or something, but it's just that the editing of reels that I have been doing over time keeps on changing. But there are certain things that I keep, you know, repeating jo mujhe pasand aati hai apni editing style mein. I did that, I uploaded the reel, I got it approved by the brand first obviously, and the products that I used, I was genuinely super impressed with those products. I will share it with you guys also, but maine Instagram pe pehle share kar diya tha. And I have been raving about those products since the day I started using them. अपने broadcast fam में stories में, even brand जो POC थी उनके साथ WhatsApp पे भी I was you know constantly appreciating the products, and जो जो भी चीज़ें मैंने उनको बोली थी personally, those were the same things that I said in the reel as well. But then suddenly one creator comes up. She is like a small creator just like me, and she decides to say that this reel is copied. Why? Because the editing style was the same, and apparently I said that my hair never felt better or something of that sort, and that was the same exact line that I mentioned to the brand POC in the WhatsApp chat as well. पता नहीं कितने दिन पहले, and apparently saying that line, and I think that girl must have said the same thing in her reel, that my hair never felt better, and apparently that's copied. I mean, genuinely loved the products, and I did not want ki kuch aisa faltu ka story chalta rahe, and you know the brand image gets you know negatively affected. Mujhe wo nahi chahiye tha, because I truly genuinely love the product. So I just decided to edit the video again and take it live today. मैं ऑलरेडी मेंटली ना एग्जॉस्टेड हूँ, या ऑफिस का अलग पंगा, ये अलग, और मेरे को ना 50 तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है. मेरा बिल्कुल मेरा पहले ना एक बार मन हो रहा था कि छोड़ फालतू का ये सब, मैं एक बार ना उससे खुद एक बार बात करके उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, पर फिर वही है ना कि यू नेवर नो, क्योंकि हाँ मतलब उसको ही कि मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती थी, क्योंकि मैं उसको अपना पीस ऑफ कॉन्टेंट भेज देती कि देख ले भाई, ये पहली बार नहीं किया है मैंने ऐसा, ठीक है. तो बट फिर मैंने फिर हाँ फिर मेरे को ना यही हो रहा था, मैंने कहा कि यार देख, किसी के दिमाग का कुछ कह नहीं सकते, है ना. आजकल वैसे भी मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे ज़बरदस्ती के लोग एक दूसरे को टैग कर करके स्टोरियाँ, मैं भी कर दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है फालतू के पंगे लेने में, पर मेरा ना मन नहीं है इस टाइम पर किसी से लड़ने का. Had a late lunch today. अभी फाइनली सारा काम निपटा के खाना वाना खा के बैठ गई हूँ. जस्ट इग्नोर, आई लुक लाइक अ मेस राइट नाउ, बट या सो एडिट हो गई, रील चली गई है, एंड या यूट्यूब पर नहीं डाली है मैंने, सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही डाली है, बिकॉज इट वॉज अ ब्रांडेड रील फॉर इंस्टाग्राम, बट आई लव दोज प्रोडक्ट. एंड आई डोंट नो वाई मैंने ये माइक उल्टा लगा रखा है, और नहीं उल्टा नहीं लगा है, it's just heavy, and मेरा टी शर्ट ही फ्लिप हो गया था, didn't realize that. But yeah, अभी मैं थोड़ी देर just relax करने वाली हूँ. I'm just going to watch Janvi's vlog and chill for a little bit. उसके बाद I'm planning to cook dinner, because life is just not lifing right now. So I'm just gonna have like a little break from all of this and cook something nice. Nice तो क्या, मैं छोले और मशरूम लेके आई थी, मोस्ट प्रोबेबली वही बनाऊंगी, वही बनाऊंगी. एंड आई थिंक मैंने किसी ब्लॉग में पहले उसकी रेसिपी शेयर करी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इट्स वेरी ईजी. आप लोग मुझे बताओ आप लोगों का ये वीक कैसा गया.
Okay, so apparently I shot my nighttime skincare routine in the vlog, but I forgot to start the recording. But anyways, I'm done with the day. Also the night routine now. Pretty much that was it. The food was amazingly tasty. Maza hi aa gaya. I'm gonna end the day with a couple of episodes of Friends. The one after Ross says Rachel, season 5, episode 1. If you are a Friends fan, you know what's coming up. And I'm super excited yet again. But yeah, I'll end today's vlog right here itself. I hope aapko acha laga. Like, share, comment and subscribe to the channel. I shall see you super, super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye, good night.